गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी सेकंड ईयर में बॉटनी की, उसमें आज हम पढ़ेंगे फैमिली यू फॉर बीएससी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फैमिली यू फॉर बीएससी के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैमिली आपकी। और इसके जैसे कि हम नॉर्मली जिस भी फैमिली की चर्चा करते हैं तो उसमें जानते हैं कि उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है फर्स्टली, सेकेंडली हम उसका फ्लोरल फार्मूला एंड देन फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं और फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके कायिक लक्षण क्या है और इसका जो पुष्पीय लक्षण क्या है। ठीक है, और लास्ट में हमारा रहता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, मतलब इस जो ये जो फैमिली है उसके आर्थिक महत्व क्या हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ इसकी सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन यदि देखें तो जो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है वो क्या है, इसका डिवीज़न जो रहेगा वो रहेगा फैनरोगेम्स, क्लास इसकी रहेगी डाइकोटिलीडन्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मोस्टली डिवीज़न में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं फैनरोगेम्स में। ठीक है, डिवीज़न और क्लास मोस्टली सेम ही है सभी की, तो जो डिवीज़न रहेगी वो फैनरोगेम्स रहेगी और क्लास रहेगी डाइकोटिलीडन्स। सब क्लास इसकी रहेगी मोनोक्लेमाइडी और ऑर्डर इसका रहेगा यूनिसेक्सुअल्स और फैमिली इसकी रहेगी यू फोर बी एस सी। जैसे कि फैमिली हम पढ़ ही रहे हैं, किस फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं? यू फोर बी एस सी के बारे में। ठीक है, यदि हम इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट फैमिलीज में पढ़ा कि फ्लोरल फार्मूला जो था वो एक ही था, लेकिन इसमें फ्लोरल फार्मूला जैसे कि आप देख रहे होंगे वो अलग अलग है। मेल का फ्लोरल फार्मूला जो है, मेल गैमेट का फ्लोरल फार्मूला वो अलग है और फीमेल का जो है, फीमेल फ्लावर का जो फार्मूला है वो अलग है। मेल फ्लावर इसमें अलग पाया जाता है, फीमेल फ्लावर अलग पाया जाता है, और मेल का मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला अलग रहेगा और फीमेल फ्लावर का फ्लावर फार्मूला अलग रहेगा। इसके जितने भी सदस्य आएंगे इस फैमिली में उन सभी के मेल और फीमेल के फ्लोरल फार्मूला अलग अलग रहेंगे। जैसा कि जैसे मैंने आपको फ्लोरल फार्मूला बताया है वो आपका यू फोर बी आ का है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी फैमिली आती है, जैसे रिसिनस, रिसिनस भी इसकी एक स्पीसीज है, इसका भी मेल और फीमेल दोनों का फ्लोरल फार्मूला कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्रोटन है एक इसकी स्पीसीज, एक इसकी जाति है क्रोटन, तो उसका भी जो मेल और फीमेल फ्लावर का जो फार्मूला है वो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यदि हम इसकी कायिक लक्षणों की बात करें या वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है यह बहुत बड़ा कुल है जिसमें 290 वंश जेनरा तथा 7,500 जातियाँ सम्मिलित की गई हैं। ये जो कुल है, ये जो फैमिली है, ये काफ़ी बड़ी है और इसमें लगभग कितने जेनरा, 290 जेनरा और 7,500 जातियों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। वैसे तो पौधे संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं किंतु विशेष रूप से पौधे उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण प्रदेशों में उगते हुए पाए जाते हैं। वैसे तो ये प्लांट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय टेम्परेचर पर ये पाए जाते हैं। यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करें तो ये कहाँ, सॉरी, यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, कायिक लक्षण की बात करें तो इनकी जो हैबिट रहती है, प्रकृति कैसी रहती है, पौधों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ पौधे हब्स रहते हैं, कुछ श्रब्स रहते हैं आपके, और कुछ जो हैं वो प्लांट ही पाए जाते हैं, कुछ उनमें वृक्ष मतलब ट्रीज ही होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ शाखीय रहते हैं, कुछ झाड़ी टाइप के रहते हैं, कुछ जो हैं ट्री के रूप में ही पाए जाते हैं। यदि हम इसके रूट की बात करें तो रूट इनमें प्राय कौन सी पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है
और इनमें ट्यूबरस रूट भी पाई जाती है। कंदिल जड़ें, कंदिल जड़ें मतलब ऐसी जड़ें जिनमें भोजन क्या रहता है, संचित रहता है उनकी कंदिलों में, इसलिए हम इनको कंदिल जड़ें बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम इसके स्टेम की बात करें, तना इनका कैसा रहता है, एक वर्षीय या बहुवर्षीय, शाकीय या काष्ठीय, चिकना कौड़ीय सीधा हो सकता है। तना इनका कैसा भी हो सकता है, एक वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, काष्ठीय भी हो सकता है, एंड वुडी मतलब जो वुडी मतलब काष्ठीय, ठीक है, वो हो सकता है। यदि हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां प्रायः इसकी क्या पाई जाती हैं, एकांतर क्रम में पाई जाती हैं, एक के बाद अल्टरनेट क्रम में पाई जाती हैं, कभी कभी अपोजिट भी होती हैं और सिंपल भी होती हैं। यदि हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें, जिसका फूल रहता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, एंड्रोशियम की स्थिति क्या होती है, गाइनोशियम की स्थिति क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें, तो जो इसका पुष्प क्रम रहता है यह अलग अलग पौधों में विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे यूफोर्बिया में साइथियम, ठीक है, इनका जो फ्लावर के जो कैरेक्टर रहते हैं वो अलग अलग प्लांट्स में क्या रहते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तथा यदि हम इसके पुष्प की बात करें, फ्लावर कैसा रहता है, तो इसका फ्लावर आकार में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सहपत्री, सदैव एक लिंगी, जैसा कि बताया मैंने कि एक लिंगी ही इनमें जो पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अपूर्ण इनकम्प्लीट होते हैं, और जो अंडाशय ओवरी के चारों ओर डिस्क जैसी रचना पाई जाती है, जो पुष्प में ओवरी हो रहती है उसके चारों ओर एक डिस्क के समान संरचना जो है वो पाई जाती है। यदि हम इसके परिदल पुंज की बात करें तो 5 या 3 परिदल स्वतंत्र पॉली अथवा संयुक्त परिदली पाए जाते हैं, एक चक्र में लगे रहते हैं। यदि हम इसके बाहदल की बात करें, कैलेक्स की बात करें, तो जेट्रोफा में 5 बाहदल, मर्क्यूरेलियस में 3 तथा मैनी हार्ट में बाहदल सेपल आकार में बड़े तथा दलिए होते हैं, ठीक है। यदि कोरोला की बात करें, दलपुंज की बात करें, तो जो क्रोटन नामक इसकी जाति है, स्पीसीज है, एवं जेट्रोफा में स्पष्ट 5 दल पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, रंगीन व आकर्षक होते हैं। यदि हम इसकी एंड्रोशियम की बात करें, पुंकेसरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे जो पुंकेसर हैं पुमंग में, जो एंड्रोशियम में जो पुंकेसर पाए जाते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग जातियों में। यदि हम यूफ्रोबिया इसकी एक जाति है, उसमें कितना, 1 जो है एंड्रोशियम पाया जाता है, क्रोटन में 10 से 15 और जेट्रोफा में कितने पाए जाते हैं, 5 से 5 पाए जाते हैं। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग जो है वो एंड्रोशियम पाए जाते हैं, जो यूफोर्बिया है उसमें 1 ही एंड्रोशियम जो है वो पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेल उसमें जो एंड्रोशियम की संख्या है वो कितनी है फ्लोरल फॉर्मूला में, 1, 1 ही उसमें पाया जाता है। यदि हम गाइनोशियम की बात करें तो 3 अंडपी होती है गाइनोशियम इसकी, युक्तांडपी भी हो सकती है, ऊर्ध्व पड़ती अंडाशय ओवरी भी पाई जाती है, प्रायः त्रिकोष्ठीय एक्साइल होती है, साधारणतः 3 वर्तिकाग्र स्टिग्मा पाए जाते हैं, और साधारण नॉर्मल तौर पर इसमें कितने, 3 जो है वो गाइनोशियम है वो पाए जाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि फीमेल जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें गाइनोशियम की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी पुष्प क्रम या फ्लोरल कैरेक्टर, फूल की बात हो गई। यदि हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो आर्थिक महत्व में हम कुछ जातियों को लेते हैं, कुछ स्पीसीज को लेते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी जाति जो है किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या कार्य करती है। तो जैसे कि इसकी एक जाति है एकेलाइफा हिस्पिडा, एकेलाइफा हिस्पिडा, तो एकेलाइफा के पौधे शाखीय होते हैं, जिन्हें उद्यानों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है। जो एकोलाइफा के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, जिसे हम गार्डन में अपने सुंदरता के लिए लगा सकते हैं। यदि हम क्रोटन टिग्लियम की बात करें,
तो ये होता है जमाल गोटा, जैसा कि आपने नाम सुना होगा इसका, आई थिंक जमाल गोटा के बीजों से तेल प्राप्त होता है जिसे औषधि के रूप में जुलाब करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, औषधि के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। यूफोर्बिया, पल्चेराइमा या पोइनस्टिया पल्चेराइमा, यदि हम इसकी बात करें तो ये होता है लाल पत्ता की झाड़ियाँ, सुंदरता के लिए इसको उद्यानों में हम लगा सकते हैं। यदि हम जेट्रोफा हेस्टेटा की बात करें तो जेट्रोफा हेस्टेटा के जो फ्लावर होते हैं वो भी क्या लगाए जाते हैं, सुंदरता के लिए अपने जो है गार्डन में उनको लगाया जाता है। यदि हम यूफोर्बिया हिर्टा, मतलब होता है इसका दुधी, इसका जो दुधी का बॉटनिकल नेम है वो क्या है, यूफोर्बिया हिर्टा की बात करें तो इसके पौधे जंगली होते हैं, मतलब जंगल में पाए जाते हैं सामान्यतः, जो किसके काम आते हैं, औषधि गुण संपन्न होते हैं और इसके जो प्लांट रहते हैं वो औषधीय गुणों से संपन्न होते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है जो यूफोर्बियेसी है, ये इसके लगभग 290 के समथिंग जेनरा इसमें पाए जाते हैं और लगभग 7,500 जातियाँ इसमें पाई जाती हैं। यदि हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका डिवीज़न फेनरोगेम्स होता है, क्लास डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स और फैमिली यूफोर्बियेसी होता है। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों का फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो वो हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और इसके हम जो है वो आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ यूफोर्बियेसी फैमिली के भी हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक नई फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।